मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बेटा आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में। आज हम अपना जो चैप्टर है हमारा एसिड बेसिड एंड सॉल्ट्स, उसका रिवीजन कंप्लीट कर देंगे। न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन मतलब व्हेन वी ऐड एसिड एंड बेस विद ईच अदर। जब हम एसिड एंड बेस को एक दूसरे के साथ मिलाते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है। दैट रिएक्शन बेसिकली इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। So neutralization is a chemical reaction between an acid and a base that takes place in water solution. When acids and bases react with each other, the H positive ions from the acid react with OH negative ions. अब ये जो H positive ion है ना, ये आपका H3O positive भी हो सकता है। Do not worry, परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। Hydronium ion भी H positive ही है। So when react with OH negative, water is formed. तो water बनता है, ठीक है। द ओवरऑल पीएच बिकम्स न्यूट्रल, ओवरऑल रिएक्शन का पीएच न्यूट्रल हो जाता है। दैट इज व्हाई दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नाउ सॉल्ट्स, आपको पता है व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस वाटर एंड सॉल्ट इज फॉर्म, वाटर एंड सॉल्ट बनता है। तो वाटर मैंने आपको बता दिया कैसे बनता है, सॉल्ट कैसे बनेगा, एसिड एंड बेस, बेस में से वो कैटायन लेगा और एसिड में से वो एनायन लेगा और दोनों मिलकर सॉल्ट बना लेंगे। तो द आयंस दैट आर लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर द एच पॉजिटिव और एच थ्री ओ पॉजिटिव एंड ओ एच नेगेटिव आयंस फॉर्म वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सॉल्ट। अ सॉल्ट इज अ कंपाउंड दैट फॉर्म्स व्हेन नेगेटिव आयंस फ्रॉम द एसिड कंबाइंड विद द पॉजिटिव आयंस ऑफ द बेस। पॉजिटिव आयन का मतलब कैटायन, नेगेटिव आयन का मतलब एनायन। केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट जो NaCl हम नॉर्मली अपनी डाइट में लेते हैं, दैट इज कॉमन सॉल्ट। इतने सारे केमिकल्स हम प्रिपेयर कर सकते हैं कॉमन सॉल्ट से। NaOH कास्टिक सोडा जिसको कहा जाता है, इसको आपके जो कपड़े धोने वाला पाउडर है उसमें, आपका जो साबुन है उसमें डाला जाता है। CaOCl2 दिस इज ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीच करने में आप हेयर्स ब्लीच करते हैं, अपना स्किन ब्लीच करते हैं, कपड़े ब्लीच होते हैं उसमें यूज आता है। बेकिंग सोडिया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaCO3, इट इज ऑल्सो यूज इन डिफरेंट डिशेज। डिफरेंट डिशेज बनाने के लिए हम बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं, नान रोटी बनाने के लिए, इडलीज बनाने के लिए, केक्स बनाने के लिए, ढोकला बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बन जाता है फूड इससे। एंड लास्ट इज वॉशिंग सोडा, जिसको हम सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, एंड हेक्सा सॉरी डेका हाइड्रेट, डेका मीन्स 10 जो मॉलिक्यूल्स वाटर के यहाँ पर यूज हुए हैं, दिस इज डेका हाइड्रेट। एंड दीज आर द फोर केमिकल्स विच यू ऑब्टेन फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। नाउ प्रिपरेशन, प्रिपरेशन NaOH की प्रिपरेशन अगर हम करेंगे तो वॉट वी डू, वी विल टेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl विच इज नोन एज ब्राइन, जिसको हम ब्राइन कहते हैं। वाटर के साथ लिया NaOH, हाइड्रोजन गैस इज रिलीज एंड क्लोरीन गैस इज रिलीज एंड NaOH इज फॉर्म्ड। तो दिस इज क्लोर एल्कली प्रोसेस विच इज यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ NaOH बाय यूजिंग ब्राइन। ब्राइन, ब्राइन क्या है, ब्राइन एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है NaCl का। यूजेस ऑफ NaOH, NaOH के यूजेस क्या है बेटा, NaOH के यूजेस है, इट यूज इन सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, मैंने आपको बताया, इट इज यूज इन पेपर इंडस्ट्री, इट इज यूज एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट ऑल्सो। क्लोरीन एज अ डिसइंफेक्टेंट, वाटर को प्योरीफाई करने में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। मेकिंग PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड पॉलीमर है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड DDT डाइक्लोरो डाइफ्लोरो ट्राइक्लोरोइथेन, इन सब केमिकल्स को बनाने के लिए हम क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं। और हाइड्रोजन का यूज़ है हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, जो हम रिफाइंड ऑयल खाते हैं उसका, उसका हाइड्रोजिनेशन हाइड्रोजन यूज करके किया जाता है, एंड इट इज ऑल्सो यूज एज अ फ्यूल। नाउ प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर जो है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको स्लेक लाइम कहा जाता है, उसमें क्लोरीन पास करके बनता है। इट इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल इन अवर डेली लाइफ। नाउ दीज आर द यूजेस, टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन, पेपर इंडस्ट्री फॉर ब्लीचिंग वुड एंड पल्प, एंड इट इज यूज एज अ डिसइंफेक्टेंट ऑल्सो। तो दीज आर द यूजेस ऑफ द कंपाउंड्स विच आर गिवन इन चैप्टर 2। You must prepare this chapter thoroughly
इट इज़ अ वेरी गुड चैप्टर, स्कोरिंग चैप्टर फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू. सो दिस इज फॉर टुडे. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे.